नाजीन पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में 116 मिडशिपमैन और 24 शॉर्ट सर्विस कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। इसी एकेडमी से प्रवीर याफ्ता और बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर रियर एडमिरल मोहम्मद यूसुफ अल असीम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कमीशन हासिल करने वालों में 131 का ताल्लुक पाकिस्तान और 3 का ताल्लुक दोस्त ममालिक से है। मजीद तफसील बताएंगे कराची से हमारे नुमाइंदे अली असगर अरबाब। तकरीब से खिताब करते हुए बहरीन नेवल फोर्स के कमांडर रियर एडमिरल मोहम्मद यूसुफ अल असीम ने कहा कि वो इसी इदारे से तरबियत याफ्ता हैं जो उनके लिए एजाज की बात है। मिडशिपमैन शहदा और गाजियों का रास्ता अख्तियार करके अपने मुल्क का दिफा करें। यू शुड फॉलो इन द फुटस्टेप ऑफ शहदा एंड गाजीज एंड बिकम द ब्राइड ऑफ प्योर नेशन। मे अल्लाह बी योर गाइड एंड बिस्टो यू विद द विजडम टू लीड। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कमांडेंट कमोडोर सोहेल अहमद अजमी ने इदारे की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी भी तकरीब में मौजूद थे। मेहमान खुसूसी ने तरबियत के दौरान अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मिडशिप मैन को सोर्ड ऑफ ऑनर और दीगर अवार्ड दिए। मैं बहुत खुश हूँ और खुश होने के साथ साथ अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत तैयार हूँ। आज का दिन यकीनन एक मुजाहिद की जिंदगी का एक अजीम दिनों में से एक है। बहुत ही ज्यादा खुशी और फखर का एहसास होता है। इससे पहले मिडशिपमैन और कैडेट्स ने मार्च पास किया। इस मौके पर पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स ने फिजा में और बहरी जहाजों ने समंदर में मार्च पास का मुजाहरा किया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में मिडशिपमैन की पेशेवराना अंदाज से तरबियत की जाती है ताकि ये जवान पाक बहरिया में शामिल होकर मुल्क की समंदरी हदूद का बेहतर अंदाज से दिफा कर सकें। अली असर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची।